हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी जो है मॉर्निंग का समय हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं और दिन जो है वो थर्सडे है और तारीख है 25 नवंबर। और अभी मैं किचन में हूँ, बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ। तो मैंने रुपेश से पूछा कि आज लंच में क्या ले जाओगे, तो पता नहीं कि वो बोला कि मम्मी आज मैं गुलगुला ले जाऊँगा, मेरा गुलगुला खाने का बड़ा मन है। तो वही मैं गुलगुला अभी फ्राई कर रही हूँ। तो और बाद में रुपेश का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, जैसे कि खांसी उसकी बंद ही नहीं हो रही थी, तो फिर वो स्कूल नहीं गया, सिर्फ छवि जा रही थी स्कूल। तो बैटर तो मैंने ज़्यादा बना लिया था, तो सोचा कि चलो इसी से रुपेश का नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद वो दवाई वगैरह खा लेगा। तो अभी जल्दी से मैं बना लूँगी, फिर जाऊँगी छवि को तैयार करने स्कूल के लिए। वैसे तो वो ड्रेस वगैरह पहन लेती है, पर जैसे कि उसके हेयर कॉम्ब करने हुए और बेल्ट टाई वो नहीं लगा पाती है, बस मैं वही लगाती हूँ। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी तरीके से गुलगुला जो है वो फ्राई हुआ है, और ये आटे का है, बस आटे का मैंने घोल बनाया चीनी डाल के, और थोड़ी सा मैंने इलायची पाउडर डाल लिया है। बस उसके बाद इस बैटर को मैं, जैसे हम गुलगुला बनाते हैं वैसे मैंने इसे फ्राई कर लिया है, मतलब कढ़ाई में गोल गोल डाल के। तो बस सिंपल सा बना रही थी, कुछ ज़्यादा इसमें मतलब कोई ड्राई फ्रूट्स मैंने नहीं डाले थे, बस ऐसे ही रुपेश बोल रहा था तो मैंने बना दिया, पहले से कोई तैयारी नहीं थी। तो अभी देखिए सारा जो गुलगुला है वो आटे का बन के रेडी है, और अभी मैं छवि के लंच में इसे लगा दूंगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर गरम गरम रख दूंगी ना तो इसके भाप से इसके सारा गुलगुला जो है वो गीला हो जाएगा, फिर टेस्टी नहीं लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैं अभी छवि का जो लंच बॉक्स है वो तैयार कर देती हूँ, और सीधे मैं इसे पहले बैग में रखूँगी, क्योंकि इधर उधर रखने से ना बच्चे जो हैं वो लंच बॉक्स भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों का जब भी लंच बॉक्स तैयार करती हूँ तो तुरंत उनके बैग में डाल देती हूँ, कि बच्चे जो हैं वो भूले ना। और यहाँ पे देखिए छवि जो है बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही है, बट उसे नहीं लगता है, तो मैं उसे ड्रेस पहना लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और हमारी सुबह हो गई है 6 बजे से, तो यहाँ छवि रेडी है, ये देखिए स्कूल जाने के लिए, और ये पानी पी रही है। रुपेश का तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है, वो नहीं जाएगा स्कूल, क्योंकि उसे ना हल्का सा फीवर और सर्दी खांसी हो गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से सर्दी खांसी हो गया है। ये टॉवल देखो यहाँ रखा हुआ है। तो सिर्फ छवि स्कूल जाएगी, और मैंने भी घर की क्लीनिंग कर ली है, बच्चों का टिफिन बना लिया है, बच्चों का क्या सिर्फ छवि का, क्योंकि बनाया तो दोनों का था। पर जैसे ना कि रुपेश की खांसी जो है वो बंद नहीं हो रही है, तो इसलिए रुपेश बोला कि आज मैं नहीं जाऊँगा मम्मी, कल से जाऊँगा। तो मैंने सिर्फ छवि का जो है वो लंच तैयार किया। अभी देखिए छवि का जो है ना हेयर कॉम्ब करना है, और इसके स्किन पे मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना है, क्योंकि ठंड आ गई है और स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मॉइस्चराइजर क्रीम इसको लगा दूंगी। अभी टाइम भी नहीं है, मुझे छोड़ने भी जाना है, तो जल्दी से मैं इसका बाल बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं छवि को छोड़ के आ गई हूँ स्कूल, और यहाँ देखिए रुपेश जो है वो सोया हुआ है, ये देखिए। और मैंने बोला कि स्कूल नहीं गए हो तो धीरे धीरे कुछ लर्न करके सुना दो, तो ये सो रहा है अभी। तो चलिए अभी आज बहुत सारे काम हैं, और तो चलिए छत पे चलते हैं, क्योंकि आज मुझे गेहूँ भी धोना है और थोड़े से कपड़े हैं, क्योंकि स्कूल जा रही थी तो जल्दी जल्दी में वाश नहीं किया, तो उसे थोड़े कपड़े हैं तो वाश कर लूँगी। और चलिए पहले गेहूँ धो लेते हैं। मैंने गेहूँ को धुल लिया है, फिर मैं सीधे किचन में आ गई हूँ। सब्जी वब्जी तो मैंने छत पे ही कट कर दिया था धूप में ही। तो अभी देखिए सरसों का तेल जो है गर्म हो गया है, फिर मैंने हरी मिर्च और लहसुन से तड़का लगा दिया है। जब ये तड़का ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। आलू मैंने छोटे छोटे साइज का कट किया है, इस साग में छोटे छोटे साइज का ही आलू जाता है। और फिर मैंने हल्दी और सिर्फ नमक, बस यही मसाले में डालूंगी और कोई मसाला नहीं डालूंगी। और ये भुजिया बहुत टेस्टी लगती है दाल चावल के साथ, आपकी रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हो। तो अभी देखिए मैंने दिखाया आलू पक गया है, तो अभी थोड़ा सा मैं उसे साइड में रखती हूँ, और इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं दाल किस तरीके से डेली दाल में बनाती हूँ।
तो फ्रेंड्स दाल बनाने के लिए मैं दाल को जब धुल के चढ़ा देती हूँ तो ये जो झाग होता है ना, ये झाग जो होता है, जो हमारी दाल पॉलिश होती है तो वो सारे पॉलिश गंदगी होती है, तो मैं बॉयल जब होता है तो इसके ऊपर जितनी भी झाग बनते हैं वो सारे झाग मैं कलछुल की हेल्प से निकाल लेती हूँ बाहर सारे झाग। तो उसके बाद जो दाल हमारी होती है वो फ्रेश दाल होती है, जो पॉलिश वगैरह सब बाहर निकल जाता है मतलब झाग के साथ। तो इसके बाद सारे झाग निकालने के बाद मैं इसमें हल्दी और नमक डाल देती हूँ, फिर मैं सीटी लगाती हूँ, क्योंकि इसी तरीके से मैं डेली दाल बनाती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि लाओ आज आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ, कुछ लोगों की हेल्प होगी मतलब इस तरीके से दाल बनाएंगे। और ये दाल बहुत हेल्दी होती है क्योंकि इसमें जो पॉलिश का कलर वगैरह जो भी होता है वो सारा जो है वो निकल जाता है। तो यहाँ देखिए आलू जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैं उसे एक साइड में कर लेती हूँ। और फिर ये मेथी का साग था मैंने कट किया था, तो इसे मैं एक साइड में रख दूंगी और एक साइड में ही रखूंगी, क्योंकि पूरे अगर आलू में मैं मिक्स कर दूंगी ना तो आलू जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे अभी मैं थोड़ा सा फैला लेती हूँ, जगह बना लूंगी, फिर उसके बाद मैं सारे साग को एक साइड से डाल दूंगी और फिर इसे मैं ढक के रख दूंगी फ्रेंड तब तक के लिए कि जब तक ये साग जो है ना वो उनकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसे आलू के साथ मिक्स करूंगी। तो अभी देखिए सारा साग जो है वो मैं कढ़ाई में डाल के रख दूंगी और बस 2 से 3 मिनट इसे मैं कवर करके रखूंगी, क्योंकि मुझे जो ये मेथी साग है ना वो थोड़ा गला हुआ चाहिए। तो अभी देखिए साग कैसा गल गया है, थोड़ा हो गया है क्वांटिटी इसकी, तो इसे मैं चला लूंगी और सारा आलू जो है ना उसे मैं इसके ऊपर रख दूंगी, जैसे कि साग बीच में करने के बाद जो साइड में आलू है फ्राई आलू तो उसे मैं इसके ऊपर रख दूंगी और नीचे से ये साग पकता रहेगा। आलू तो हमारा पहले से ही पक गया है और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत करारा आलू था, आप ऐसे भी आलू खा सकते हो। तो बस नीचे जब सारा पानी साग का सूख जाएगा ना तो मैं आलू और साग को एक साथ मिक्स कर दूंगी और कोई मसाले एक्स्ट्रा नहीं डालूंगी, बस हल्दी नमक ही। और फ्लेम मैंने हाई कर दिया है कि साग का जो पानी है वो जल्दी से सूख जाए। तो बस अब देखिए साग जो है वो रेडी है, मैंने साग और आलू एक साथ मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा साग बन के आया है और बस अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, साग जो है रेडी है मेथी का। और अब सब्जी और दाल जो है वो बन गया है, तो मैंने चावल चढ़ा दिया है उसी कुकर में जिसमें मैंने दाल बॉयल किया था, दाल को भी मैंने तड़का लगा दिया है और उधर मैं रोटी गरम गरम निकाल रही हूँ और हस्बैंड भी नहा के आ गए हैं। तो लग गई है लंच की थाली हमारी आज की। तो आज क्या है लंच में, सादा चावल है, तड़के वाली दाल है, जीरा से मैंने तड़का लगाया है, रोटी है, मेथी आलू का साग है और चटनी है। तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स हमारे साथ बैठ के लंच कर लीजिए, और बहुत टेस्टी लंच था, सिंपल था बट बहुत टेस्टी था, सबको पसंद आया। और रुपेश को तो ये साग बहुत ही अच्छा लगता है, वो बार बार इसी तरीके का साग खाता है। और फ्रेंड्स मैंने सुबह से कोई बर्तन वाश नहीं किया था आज, तो पूरा सिंक जो है ना वो बर्तन से फुल हो गया था, आप देख सकते हो पूरा सिंक। तो मैं जल्दी 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 बर्तन को धुल रही थी कि जल्दी से बर्तन ख़त्म हो, क्योंकि सिंक जब मैसी होता है ना तो दिमाग जो है ना मतलब काम करना बंद हो जाता है। तो मैं पहली बार ऐसा हुआ कि इतना सारा बर्तन मैं एक साथ धुल रही थी और हस्बैंड से बातें भी कर रही थी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी देखिए किचन का फाइनल लुक, क्लीनिंग के बाद जब सभी ने खाना खा लिया, मैंने बर्तन को वॉश करने के बाद पूरे किचन को क्लीन कर दिया है, सिंक में एक भी बर्तन नहीं है। और अभी देखिए सारे बर्तन जो है स्टैंड में मैंने लगा दिए हैं, मैं बर्तन वैसे धोते ही लगा देती हूँ। फिर मैं रुपेश को लेकर छत पर चली गई थी, सभी ने जब लंच कर लिया था तो, और यहाँ रुपेश को कुछ होमवर्क मिला था तो वो मतलब लर्न कर रहा था, और उधर मैंने गेहूँ डाला है, इधर मैंने कपड़े सुखाया। फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए धूप कहाँ तक रहती है, पूरे छत पे धूप नहीं आती है। और अभी देखिए छवि भी आ गई है, 2 बज गया था इस समय तक, तो छवि छुपी हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे छुपी है, जब भी आती है ना तो ऐसे ही शैतानी करती है। हस्बैंड लेके आए थे आज, तो फिर जब ये आ जाती है तो फिर इसका ड्रेस निकालना, फिर इसको खाना खिलाना, फिर ये थोड़ा सा मतलब घूमती है मतलब खेलती वगैरह है, फिर ये पढ़ाई करने बैठ जाती है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में।